उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरौली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगनौली में 4.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजा भृद्धिर मुख्याधार तथा नगनौली में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने नगनौली से ऊना तक चलने वाली HRTC बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरे की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहाँ गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद, वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत देहला में लगभग 7.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगनौली क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए HRTC बस सेवा को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि यह बस नगनौली से प्रातः 8:15 बजे चलेगी और पंजाबर पंडोगा बदसाली होते हुए प्रातः 9 बजे ऊना पहुंचेगी। HRTC की यह बस 5:15 बजे ऊना से चलेगी और 6:30 बजे नगनौली पहुंचेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना के प्रत्येक घर को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में नगनौली पंचायत में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरौली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगनौली में 4.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजा भृद्धिर मुख्याधार तथा नगनौली में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने नगनौली से ऊना तक चलने वाली HRTC बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत देहला में लगभग 7.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगनौली क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए HRTC बस सेवा को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि यह बस नगनौली से प्रातः 8:15 बजे चलेगी और पंजाबर पंडोगा बदसाली होते हुए प्रातः 9 बजे ऊना पहुंचेगी। HRTC की यह बस 5:15 बजे ऊना से चलेगी और 6:30 बजे नगनौली पहुंचेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना के प्रत्येक घर को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में नगनौली पंचायत में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरौली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगनौली में 4.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजा भृद्धिर मुख्याधार तथा नगनौली में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने नगनौली से ऊना तक चलने वाली HRTC बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत देहला में लगभग 7.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगनौली क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए HRTC बस सेवा को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि यह बस नगनौली से प्रातः 8:15 बजे चलेगी और पंजाबर पंडोगा बदसाली होते हुए प्रातः 9 बजे ऊना पहुंचेगी। HRTC की यह बस 5:15 बजे ऊना से चलेगी और 6:30 बजे नगनौली पहुंचेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना के प्रत्येक घर को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में नगनौली पंचायत में 5.43 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।